नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद इलाहाबाद के मांडा बामपुर फाटक से है। सूरत से अपने घर मिर्जापुर के लिए लौट रही सुनीता देवी उम्र करीब 35 वर्ष और उनके पति राजन सरोज उम्र करीब 38 वर्ष ट्रेन से गिर गए, जिससे सुनीता देवी का दायां पैर फ्रैक्चर हो गया और उनका पति बचाने के चक्कर में गिर गए। सूत्रों के हवाले से पता चला कि सुनीता देवी को बाथरूम कराने के लिए पति बाथरूम ले जा रहे थे। कोहरा छाए रहने के कारण कुछ समझ में नहीं आया और गेट से नीचे गिर गई। पत्नी को बचाने के चक्कर में पति भी गिर गए। दोनों का इलाज मंडली चिकित्सालय मिर्जापुर में चल रहा है। दोनों कोतवाली देहात अंतर्गत सेमरा व सुखिया के निवासी है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। जी, जो आए हैं आप उनके कौन है? मैं उनके बड़े भाई हूँ। जी, ये कैसे हुआ है? ये ट्रेन से गिर गए हैं। क्या नाम है उनका? राजन। कितनी उम्र है? 38। और जो महिला है? महिला का लगभग 35 के आसपास। क्या नाम है उनका? सुनीता देवी। अच्छा, कैसे गिरी है, कहाँ गिरी? तबीयत खराब थी तो सूरत से हम लोग मिर्जापुर ले आते रहते हैं, तो पहरा इतना अंधेरा था उसके अंदर हम लोग पेशाब करने गए तो उसका तबियत खराब, तो उसका पति लेने जा रहे थे, मतलब बाथरूम की तरफ जा रहा था, तो दरवाजा खुला के सोचा इधर ही दरवाजा, वो ऐसे गिर गया, तो उसको पकड़ने में मेरे भाई साहब भी गिर गए। अच्छा, तो दोनों लोग की हालत क्या है? हाँ जी, दोनों लोग की हालत क्या है? क्या ठीक, नॉर्मल है, पैर फ्रैक्चर है, अरे तो सिर में चोट आई है। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम सेमरा बेच चुके हैं, मिर्जापुर के रहने वाले। थाना कौन सा है? देहात कोतवाली, जौनिया घाट के पास है। इस समय आप लोग कहाँ आए हैं? से अपना सरकारी हॉस्पिटल में, यहाँ उपचार किया जा रहा है। उपचार किया।